तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोकेमोन गाया के फोर्थ एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने सिरोस विलेज के जिम लीडर को हरा दिया था, और आज के एपिसोड में हम आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड में ही मुझे एक कट अटैक भी मिला था, तो पहले तो अपने मनफरनों को ना वो कट अटैक सिखाएंगे। और यहाँ पर पास ही में एक ना गुफा सी बनी हुई है जिस पर हमें कट अटैक यूज़ करके जाना होगा। और तो चलो पहले ना इसको कट अटैक सिखा देते, और मैं कौन सा अटैक हटा सकता हूँ, तो मैं ना लियर अटैक हटा देता हूँ। वैसे हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आता लियर अटैक, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों हटा दिया यार। वैसे रखना चाहिए था, एनिमी का डिफेंड ना फेल हो जाता है। और लेफ्ट साइड में ना एक केव है, हमें ना इसके अंदर जाना है। चलो इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पर ना लेफ्ट साइड में एक चैन सी खड़ी है यार। मैं सोच रहा था कि पकड़ लूँ, लेकिन ना ये डे कह रहा है जहाँ पर नहीं पकड़ सकते यार हम इसे। ओके, यहाँ पर ना प्रोफेसर रेडवुड आ चुके हैं, और ये ना इसी गुफा की तलाश में थे, और इन्हें भी गुफा मिल चुके, तो ये गैरी को लेने जा रहे। तो हम जल्दी से जाते हैं इस टनल के अंदर, और यहाँ पर गैरी भी आ चुका है। ओके, यहाँ पर हमें कोई मिस्ट्री सॉल्व करनी है शायद से, पता नहीं ये कोई टेबलेट है, और यहाँ पर ना कोई दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। प्रोफेसर को भी समझ में नहीं आ रहा, और प्रोफेसर जो है ये कह रहे हैं कि इनका ना एक दोस्त है, वो ट्रेनर भी है, तो वो ना ये लैंग्वेज जानता है, तो हमें ना उसे बुलाकर लाना होगा। उसका नाम है हर्षल। ओके, तो वो ना पूछते हैं कि कहाँ रहता है, फिर लेके आएंगे यार उसे। ओके, वो रहता है एरोस सिटी में। ओके, तो हमारे ना राइट साइड में है साथ से एरोस सिटी, और एरोस विलेज में तो हूँ मैं, तो हमें राइट साइड में जाना है। और यहाँ पर ना एक रास्ता है एरोस सिटी के लिए, और वहाँ पर ना एक म्यूजियम भी है, और उस म्यूजियम के अंदर ही वो ट्रेनर है जिसको हमें बुला कर लाना है, जो कि प्रोफेसर रेडवुड का फ्रेंड है। तो पहले इस ट्रेनर को हरा देते, और इसके पास ना फैन पी है यार। फैन पी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है, अगर मुझे मिल जाता तो मैं पकड़ लेता इसको। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पोकेमोन इसका फ्लैचिंग, ओके इसको भी हरा देते। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हम लोग ना एक आध पोकेमोन भी पकड़ लेते, कि हम यहाँ पर आ चुके और इतने एपिसोड निकल चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपना सेकंड पोकेमोन पकड़ा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अपना पोकेमोन पकड़ लूँ, तो जल्दी से ना पहले कोई ढूंढ लेता हूँ मैं अच्छा सा पोकेमोन। तो मुझे ना बहुत ढूंढने पर ये पोकेमोन मिला यार, क्या नाम है इसका, सीनिक्स। तो इसको कैच करने की कोशिश करेंगे, और ना मैं इस पर अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अटैक करूँगा ना मैं इस पर ये फेंट हो जाएगा। तो मैं इस पर पोकेबॉल फेंक कर इसको कैच करने का ट्राई करूँगा, और दो पोकेबॉल्स में तो कैच नहीं हुआ ये, थर्ड फेंकते हैं, थर्ड में कैच हो जाना भाई। ओके, थर्ड पोकेबॉल में कैच हो गया, और अभी ना हमें अपना सेकंड पोकेमोन भी मिल चुका है, जो कि है सीनिक्स। और सच्ची बताओ ना, मैंने आज से पहले किसी भी गेम में सीनिक्स को कैच नहीं करा यार, पता नहीं क्यों, लेकिन इस गेम में मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं इसको पकड़ना चाहता था। काफ़ी अच्छा पोकेमोन है यार ये। और चलो जल्दी से जाते पहले तो अपने प्रोफेसर रेडवुड के फ्रेंड को ढूंढने के लिए। स्नबल है यार स्नबल, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं है ज़्यादा। और यहाँ पर एक पोकेबॉल पड़ी है सुपर रिपल, तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर वाइल्ड पोकेमोन्स आएंगे तो हमें दिक्कत देंगे, तो मैं पहले इसका यूज़ कर लेता हूँ ताकि वाइल्ड पोकेमोन्स ना आए। वैसे ये हमें टाइम पर मिली यार, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी प्रोफेसर रेडवुड के फ्रेंड्स के पास जा पाएँ। और यहाँ पर एक ट्रेनर आ चुका है जिसको हमें हराना पड़ेगा। ओके, इसको मैं इजीली हरा दूंगा यार, एम्बर अटैक। चलो अब इसका लास्ट पोकेमोन भी कोई बग टाइप ही होगा, उसको भी इजीली हरा देंगे। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि सीनिक्स को बुला लेते हैं, इसके पास कोई इलेक्ट्रिक टाइप मूव है क्या, क्योंकि ये सर्किट वाटर टाइप है ना। अरे यार इसके पास कोई मूव है नहीं फिलहाल सिवाय टैकल के, तो मैं उसको मनफरनों को वापस से बुला लेता हूँ, हमारा मनफरनों हरा देगा इसी। ओके, बबल अटैक भाई डैमेज नहीं, अच्छा हुआ, क्योंकि हमारा मनफरनों फायर टाइप है, तो बबल अटैक का ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं भाई। ओके, मैंने अभी के लिए इस ट्रेनर को तो हरा दिया है, जो कि अच्छी बात है, और हमारा सीनिक्स भी 5 लेवल पर पहुंच चुका है। तो चलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई ट्रेनर ना आए, और जल्दी से जल्दी हम प्रोफेसर रेडवुड के फ्रेंड के पास पहुंच जाए। और यहाँ पर ना दो बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, यानी कि इनके साथ हमारी होगी डबल बैटल। ओके, वैसे हमारा सीनिक्स अभी तक तो कम लेवल का है, तो यार तैयार है नहीं बैटल के लिए, पता नहीं मैं इसके साथ लड़ भी पाऊंगा कि नहीं, सीनिक्स हमारा फेंट ना हो जाए बस। ओके, टैकल अटैक, मैच पंच अटैक। ओके भाई, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया मैच पंच अटैक ने, और हमारे सीनिक्स को ये डैमेज दिए जा रही है, और हमारा सीनिक्स ना फेंट होने वाला भाई यार। मनफरनों को अगर ये डैमेज दे देना तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा सीनिक्स फेंट हो गया तो लेवल अप नहीं होगा यार। ओके ओके, 6-7 लेवल पर पहुँच गया यार। टैकल अटैक अच्छा हुआ कि मनफरनों को दे दिया इसने, नहीं तो हमारा सीनिक्स फेंट हो जाता। वो क्या भी ना, ये फ्लेचलिंग भी चली गई। चल
अभी के लिए ना इन दोनों ट्रेनर्स को भी मैंने हरा दिया है, जो कि अच्छी बात है और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। और यहाँ पर और भी ट्रेनर्स है जिनके साथ मैं अभी तो फाइट नहीं करूँगा और एरो सिटी में आ भी चुका हूँ। पहले ना यहाँ की पोकेमोन सेंटर को ढूंढते हैं और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। ओके, ये मुझे म्यूजियम लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने पोकेमोन सेंटर को ढूंढ रहा था और मुझे अचानक से म्यूजियम ही मिल गया। तो पहले तो पोकेमोन सेंटर में जाते और अपने पोकेमोन्स को हेल्प करवाते हैं, बाद में जाएंगे म्यूजियम के अंदर और प्रोफेसर रेडवुड के फ्रेंड को ढूंढ कर लाएंगे और भाई देखेंगे यार कि उस पजल में ऐसा क्या लिखा था। कुछ तो मुझे अजीब टाइप का लगा, ये तो प्रोफेसर रेडवुड के फ्रेंड ही बता सकते। और यहाँ पर ना ये गार्ड है शायद से, गार्ड जो है म्यूजियम क्लर्क है। ओके, ये हमारे साथ फाइट क्यों कर रहा है फिर? ओके, इसको एम्बर अटैक देते हैं। अरे यार थोड़ी सी एचपी का रह गया, मुझे लगा था ये कि वार में ख़त्म हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। ओके, इसका एक पोकेमोन गया, सेकंड है इसका बनीली, क्या नाम है यार ठीक से पढ़ नहीं पाया, तो अपने सीनिक्स को बुला लेते हैं। ओके, तो मैं ना अपने मनफर्नो को वापस से बुला लेता हूँ ताकि सीनिक्स फेंट रहा हूँ और लेवल अप भी हो जाए। ओके, वैसे मुझे इसे ऑफलाइन में ट्रेनिंग देनी चाहिए, पता नहीं मैं क्यों इसको अभी लेवल अप कर रहा हूँ यार, पता नहीं यार। ओके, अभी के लिए ना इस कलर को भी हरा दिया और फ्लेम व्हील अटैक सीख रहा है, तो मैं हटा सकता हूँ अपने स्क्रैच अटैक को हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा डैमेज ही नहीं देता है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, इस बंदे को तो हरा दिया है और ये शायद से अब हमारा रास्ता छोड़ देगा। तो म्यूजियम के अंदर जाते और प्रोफेसर के दोस्त को ढूंढते हैं। और यहाँ पर ना एक और बंदा आ चुका है शायद से, ये भी कलर की होगा यार, देखते हैं कौन है। मिस्टीरियस ग्रंट है। ओके, ये कोई बुरी टीम का ना बंदा है, पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गया है। तो हमें ना यहाँ इसे हराना पड़ेगा, पहले तो फ्लेम व्हील अटैक। ओके, हुट हुट तो चला गया, इसका सेकंड पोकेमोन है नेट टू। तो अपने सीनिक्स को बुला लेते हैं। और वैसे ना मुझे पता नहीं है कि हमारा सीनिक्स कितने लेवल पर इवोल्व होगा यार, वैसे मुझे गूगल करके देखना पड़ेगा कि हमारा सीनिक्स लेवल अप कब होगा। तो मैं मनफर्नो को वापस से बुला लेता हूँ और सीनिक्स भी ऐसे ऐसे इवोल्व होता रहेगा, मतलब कि लेवल अप होता रहेगा यार। ओके, इसको भाई थोड़ी सी एचपी करेगा यार, एक एचपी वाले मत रहे ना भाई। चलो, इसको भी हरा दिया है और ये कोई मिस्टीरियस टीम लग रही है मुझे। और चार्ज अटैक सीख लिया है हमारे सीनिक्स ने, चलो इसको भी हरा दिया। और यहाँ पर ना दो और ग्रंट्स खड़े हैं, मतलब कि मिस्टीरियस टीम के, तो पहले ना इनको हरा देते, बाद में मिलता हूँ यार आपसे। तो चलो, अभी के लिए ना मैंने इन दोनों बंदों को हरा दिया और ना मैंने छोटा सा पार्ट कट कर दिया था। ओके, ये मुझे कोई पता नहीं है, टीम का नाम पता नहीं, बता क्यों नहीं रही। और यहाँ पर ये साथ से इनका बॉस खड़ा है और ये ना ये जो प्रोफेसर रेडवुड का फ्रेंड है ना वो राइट साइड में, उससे कुछ पूछ रहे हैं और ये ना बता ही नहीं रहा, पता नहीं यार। ओके भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सच्ची बताऊँ तो। और ये बंदे जो है चले गए मिस्टीरियस टीम। और हर सेल से मैंने बात कर ली है और इन्होंने ना मेरा वो कार्ड है ना जो प्रोफेसर रेडवुड ने हमें दिया था वो देख लिया और पहचान लिया कि हमें प्रोफेसर रेडवुड ने भेजा है। और मैंने इनको बता भी दिया कि प्रोफेसर रेडवुड को कुछ मिला है अजीब सा और लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही, आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए हम दोनों जा रहे हैं अब प्रोफेसर रेडवुड के पास, उसी टनल में जहाँ पर वो कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। चलो, यहाँ पर आ चुके हैं और ये बताएगा कि ये एक्चुअली में है क्या। ओके, ये ट्रांसलेट कर तो रहा है और ये बताएगा अब हमें। ओके, बताना भाई, अभी तक रेडी कर रहा है। ओके, और ये ना किसी एपेक्स टेंपल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर कोई एपेक्स, क्या नाम है, एपेक्स टेंपल है MS इग्नाइस में। ओके, तो हमारा अगला मिशन क्या होगा ना, हमें एपेक्स टेंपल में जाना होगा और पता नहीं वहाँ पर हमें कुछ एक्सप्लोर करना होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम एपेक्स टेंपल में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक कर देना। एंड हमें रॉक्स में से अटैक भी मिल गया यार, अच्छी बात है। और नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे यार एपेक्स टेंपल में। और आज के एपिसोड को भाई ज़्यादा लंबा नहीं करते, बस ये बात करना ख़त्म कर लेना ये प्रोफेसर रेडवुड, तो हम भी इस एपिसोड को ख़त्म कर दें। ओके, चलो ये प्रोफेसर भी जा चुके हैं और मैं भी जाता हूँ अब। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।